पटना में जो पिछले हफ्ते जो जल जमाव हुआ, जो बाढ़ की स्थिति बनी, उसको लेकर के इस बार जो रावण वध समारोह जो होने वाला था गांधी मैदान में, वो बिल्कुल ही सादगी भरे अंदाज में मनाया जाएगा। रावण वध समारोह में कोई भी ऐसी भव्यता नहीं होगी। 63 सालों से श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट रजिस्टर्ड ये आयोजन करते आ रही है और ऐसा पहली बार हुआ है 63 वर्षों के इतिहास में कि पटना के जल जमाव पीड़ित लोगों की संवेदना के साथ ये समिति खड़ी है और समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस बार बिल्कुल सादगी भरे अंदाज में रावण वध समारोह होगा। मंगलवार को यानी दशहरा के दिन फ्रेजर रोड के यूथ हॉस्टल से झांकी जरूर निकलेगी, लेकिन झांकी बिल्कुल सादे अंदाज में निकलेगी। 4:30 बजे निकलेगी, गांधी मैदान में प्रवेश करेगी और पहली बार ऐसा होगा कि जो भी वहां पे मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम सारे जो गणमान्य लोग आएंगे इस राज्य के, उनका कोई भी भव्य ढंग से स्वागत भी नहीं होगा। लोगों की संवेदना के साथ खड़ी है टीम। श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं कमल नोपानी साहब, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार किस प्रकार के निर्णय आप लोगों ने लिए हैं। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, पटना ही नहीं कहेंगे, पटना के आसपास के सभी क्षेत्रों के लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं हर साल। इस साल भी बड़े उम्मीद के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इंद्रदेव की कृपा नहीं हुई पटनावासियों के ऊपर और जो जल जमाव प्राकृतिक आपदा जो बिहार के संग आ गई है, उसके संग दशहरा कमेटी ट्रस्ट कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और कमेटी ने बिना किसी प्रचार प्रसार के जो संभव हो रहा है उन लोगों के बीच जाने का काम कर रहा है और जो बंद पड़ रहा है उनको एक सहयोग के रूप में उनके साथ खड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कमेटी का ये स्पष्ट निर्णय है कि हम लोग एक प्रतीकात्मक रूप सादगी के साथ इस आयोजन को करेंगे और पूरी आयाम, पूरी जनता, पूरे पटना वासियों के साथ दशहरा कमेटी साथ में है। और ये सादगी क्योंकि ये प्रतीक है, पिछले 63 वर्षों से कमेटी के द्वारा ये कार्यक्रम होता आया है तो हम लोग इसको करना है, इस बोल के इस कार्यक्रम को हम लोग अंजाम देने जी। कमल नोपानी को सुन रहे थे, इस समिति के ट्रस्टी के रूप में डॉक्टर तिलक राज गांधी जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार का जो आयोजन होगा, जो झांकियां जो निकलेंगे, जिस तरीके से जो पटना के लोग, पूरे बिहार से लोग यहां पहुंचते थे रावण वध समारोह को देखने के लिए, इस बार लोगों को किस प्रकार की झांकी देखने को मिलेगी? हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग झांकी का जो ये है संख्या, वो बहुत कम रहेगी, 2 से ज़्यादा तो नहीं रहेगी, हो सकेगा तो 1 भी निकालेंगे। एक झांकी में श्री राम लक्ष्मण सीता जी, सॉरी राम लक्ष्मण जी हनुमान जी रहेंगे और दूसरी झांकी में कुछ स्वरूप रह सकते हैं, लेकिन हम लोग कोई आडंबर नहीं करना है, कोई बैंड बाजा ये सब नहीं, बहुत ही साधारण तरीके से ये प्रवेश करेगी और अंदर जा करके ये परिक्रमा करेगी 3-4 बार, फिर राज तिलक हो, ये भगवान राम को तिलक लगाया जाएगा और ये साधारण ढंग से, क्योंकि चूँकि परंपरा को हम ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, हमारा स्पष्ट मेरा मानना है ये जो समारोह है ये सामाजिक समारोह है और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का यह समारोह है, इसलिए इसी रूप में हम लोग को इसको करना है। हम चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, बाढ़ की विपदा आई हुई है, लोग परेशान हैं, कई लोग सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन हम लोग बाढ़ पीड़ितों के साथ भी हैं और हमने चेष्टा भी की है कि पटना वासियों को कुछ अपनी तरफ से दे सकेंगे और ये भी संभव है कि कुछ पैसा हमारा बचेगा अगर, तो हम लोग और भी मदद बाढ़ पीड़ितों करेंगे। बाढ़ पीड़ितों की मदद की भी बात कर रहे हैं तिलक राज गांधी साहब, इस कमेटी के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग की बिहार से इन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में ये प्रतिनिधित्व किया था, सुषमा साहू जी हैं, ये दशहरा कमेटी की उपाध्यक्ष हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार के आयोजन में कमेटी ने और क्या निर्णय लिए हैं। देखिए, इस समय जो पटना की स्थिति है और पूरे बिहार की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि मीडिया का ज़माना है, हम लोगों ने मीडिया को इन्फॉर्म नहीं किया था। जब हम लोग गए थे, मैं खुद नाव में थी और जब वितरण करने गई थी और कई घंटों तक लगातार नाव से मैंने जब देखा था कि एक एक झोला जब रस्सियों से बांध करके ऊपर से जब गिरता है तो कितनी सारी मैंने आ रहती थी और जब हम लोग उसके अंदर सामान डालते थे तो पर्सनली भी और पूरी कमेटी ने भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया। लेकिन इस बार एक विशेष था, क्योंकि मन तो बहुत कुछ था हम लोग का करने का,
लेकिन कहीं ना कहीं मन को हम लोगों ने संयमित किया है, क्योंकि बिहार और पटना की जो जनता है बहुत ही दुखी है और इस चीज़ों को महसूस किया है। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए एक रशियन कमिटी है, रशियन टीम आ रही है जो अपनी भजन संध्या करेगी, वो गांधी मैदान में यहाँ पे होने वाला है। और मुझे लगता है कि पटना की जनता को और जो पटना के आसपास की जो जनता आती है गांधी मैदान में बहुत सारे मतलब सपनों को लेकर के, खुशियों को प्राप्त करने, तो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हे ईश्वर, अब विपत्ति की इस घड़ी को टाल दो और हमारे जनता, हमारे जो अपने लोग हैं उन पर से विपत्ति को। श्री दशहरा कमेटी के आप सदस्यों को, अध्यक्ष को और जो ट्रस्टी हैं उनको आप सुन रहे थे। पटना के इस जो आपदा की जो स्थिति बनी है उसके साथ कमेटी खड़ी है। इस बार बिल्कुल ही सादगी भरे अंदाज में रावण वध समारोह होगा। झांकी में भी सिर्फ एक या दो झांकी ही रहेंगे जैसा कमेटी के लोगों ने बताया। आने वाला वक्त ये बताएगा। और अपनी संवेदना के साथ श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट इस बार के आयोजन को करने जा रही है। हिंदुस्तान लाइव.com के लिए लॉकुश टावर से रविशंकर सिंह।